वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। और यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 10, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे लाइफ से काफी रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारे साथ मतलब कि हमेशा ये घटनाएं घटती रहती हैं, व्यक्ति के अंदर ये भावना उत्पन्न होता रहता है। उसी के बारे में जानेंगे, हमारे अंदर कौन सी भावना उत्पन्न होती है दूसरों को देख करके। इसका नाम है ईर्ष्या जलन, ठीक है। दूसरों को देख के जो हमारे अंदर वो फीलिंग आती है ना, जलन वाली, ये इतना स्मार्ट कैसे हो गया, इसे तो स्मार्ट हम हैं, ठीक है। ये वाला जो है ना, उसी के बारे में जानना है कि ये इंसान को कहां तक आगे लेके जाता है। इनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा कि ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तो किसी के मन से नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो ये किसके है, रामधारी सिंह दिनकर। राम जी ने तो जरूर कहा कि ईर्ष्या व्यक्ति को खा जाता है, यानी दूसरों के प्रति अगर आप देख के जल रहे हैं। देखिए, माचिस को देखे हैं आप कभी, जब वो दूसरों को जलाता है ना, तो पहले खुद जलता है, ठीक है, खुद बर्बाद हो जाता है, तब दूसरे को बर्बाद करता है। यानी अगर आपके अंदर ईर्ष्या यानी जलन किसी के प्रति घुस गया ना, तो सबसे पहले वो आपको बर्बाद करेगा। हाँ, उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप उसको मतलब कि आपके अंदर अगर जलन की भावना आ गई, तो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की जरूर सोचेंगे, ठीक है, ताकि उसको कैसे हम नीचा दिखा दें, अपने लेबल में ला दें, क्योंकि आप तो उसका कभी बराबरी कर सकते नहीं, इसीलिए आप अपने बराबरी में उसको लाना चाहेंगे। यही है जलन, ईर्ष्या, घृणा, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए, एक आदमी है वकील साहब और एक आदमी बीमा एजेंट है। दो आदमी की ये घटना है, ठीक है। ये जो वकील साहब, ये हर चीज से संपन्न है, इनके पास पैसा है, रुपया है, बहुत अच्छी पत्नी है जो इनका हर एक बात मानती है, इनके बीवी बच्चे सब कोई घर पे है, नौकर चाकर हर चीज से ये परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वकील साहब खुश नहीं है, ठीक है। आखिर क्यों? तो इनके अंदर भावना रहती है ईर्ष्या की, जलन की। वो देखते हैं, वो बीमा एजेंट जो होते हैं, जो बीमा कराते हैं, ठीक है, उनके पास एक मोटर रहती है, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि काश उनका सारा पेमेंट, जो वेतन मिलता है महीना, वो भी मेरे पास रहता, ठीक है, उनकी मोटर भी मेरे पास रहती तो कितना अच्छा होता। इसके वजह से ये कभी भी खुश नहीं रहते। देखिए, इंसान के अंदर जब ईर्ष्या आ जाएगी ना, तो उसके पास जो भी चीजें हैं वही उसका आनंद नहीं ले पाएगा। अगर मेरे पास फोन है छोटा सा, ठीक है, और हम अगर बड़ा फोन के बारे में सोच रहे हैं, तो जो छोटा फोन है ना, इसका भी हम लोग मजा नहीं ले पाएंगे। अब हम बड़ा फोन के चक्कर में सोचते रहेंगे, वैसे ही होता है इनके बाद। इन ये भी वैसे ही काम करते हैं। इनके पास जो संपत्ति है, ये उसका सुख सुविधा के बारे में भूल गए हैं, और ये जो इनके पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, उसके बारे में सोच रहे हैं और अपना समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब बताइए कि ये जो जलन है इनके अंदर, घृणा, ये किसको तबाह कर रहा है? इनके समय को बर्बाद कर रहा है, अपने गोल्स को जो अचीव करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे हैं, और दूसरों के पास जो चीज है उसके बारे में उसको हासिल करने के लिए सोच रहे हैं। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो दूसरों को देख करके उस अंदर जो इच्छा होती है, इंसान में कभी संतुष्टि तो आता ही नहीं, संतुष्ट वो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। इसीलिए तो इंसान इतना आगे है। इंसान किसी चीज से संतुष्ट नहीं, और उसको पाने के लिए अलग अलग प्रयास किया, ठीक है। और जब प्रयास किया, इसीलिए पूरे दुनिया में जितने भी जंतु जीव जंतु हैं, माना जाता है, ठीक है, तो उसमें इंसान ही आगे है। आखिर क्यों? क्योंकि उसके वो कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हर एक जानवर संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, हर एक पशु पक्षी जितना भी है, लेकिन इंसान जो है कभी संतुष्ट नहीं हुआ है, और ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयास किया है, ठीक है, और इसलिए इंसान और सबसे आगे निकल गया, ठीक है। यहां देखिए, अब ईर्ष्या का अनोखा वरदान, ईर्ष्या को एक वरदान मिला है। देखिए कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, जिस व्यक्ति के अंदर जलन की भावना अंदर अगर जगह बना ले, ठीक है, उसे क्या होता है, उस चीजों से आनंद नहीं होता जो उसके पास मौजूद होता था। अभी बताएं कि उस चीजों में उसको आनंद नहीं आता है, उसको मजा नहीं है जो उसके पास है, ठीक है, और वो ऐसी चीजों में आनंद लेने की कोशिश करता है, बल्कि उस उन वस्तुओं में से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है, और बेचारा जो दूसरों के पास चीज रहता है उसमें इससे काफी दुखी रहता है कि वो चीज उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इस चीज को लेकर वो हमेशा दुखी रहता है, ठीक है। यानी कि दूसरों के सुख से इस आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि अपने दुख से लोग कम दुखी हैं, और दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है कि वो इतना सुखी क्यों है, वो सुख मेरे पास क्यों नहीं है। अगर वो भी मिल जाए ना, तो अगला के लिए जरूर ट्राई करेगा। यही है इंसानियत, ठीक है। यहां देखिए, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जब इंसान के अंदर ईर्ष्या भर जाती है, तो देखिए, अगर मान लीजिए इंसान अपना इज्जत, जो अपना पर्सनालिटी है, जो नेम फेम है, यही चाहता है सबसे ज्यादा, वो अपने इज्जत को बढ़ावा देना चाहता है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में आपके दोस्त का अगर अच्छा मार्क्स आ जा रहा है, अच्छा नंबर आ जा रहा है, ठीक है, और आपका कम नंबर आ रहा है, तो आपके घर के लोग, आपके गांव के लोग, ठीक है, आपके आस पड़ोस जितने भी हैं, आपके दोस्त की तारीफ करेंगे, उसका गुणगान गाएंगे, ठीक है, और उससे लोग मिलने जाएंगे। ये चीज देख करके कि मेरा समाज में इज्जत अब गिरते जा रहा है और मेरे दोस्त का बढ़ते जा रहा है, ये जब चीज आप देखिएगा, तो आपके अंदर एक जलन की भावना उत्पन्न होगी। आप जब क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, और उस समय आपका
सबसे बेस्ट फ्रेंड का नंबर अगर अच्छा आ जाता है और आपका थोड़ा सा उससे कम आता है तो थोड़ा देर के लिए आपके आपके अंदर भी ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है कि इसका नंबर कम क्यों आया है। यानी कहा जाता है ना कि जब दोस्त पास होता है, ठीक है, जब दोस्त फेल होता है तो थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जब दोस्त पास हो जाता है ना वो भी आपसे ज्यादा मार्क्स से, तो सबसे ज्यादा दुख होता है। ठीक है, और उस समय व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे से आगे निकल रहा है, तो उस समय आपके अंदर एक ऐसी जलन उत्पन्न होता है कि वो आपको गलत काम करने पर मजबूर कर देती है। ठीक है, और आप उस ईर्ष्या के वजह से आप उसको मारने तक को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, यही एक जलन की सबसे बड़ी भयानक एक रूप देखा जाता है। देखिए यहां पे ईर्ष्या का प्रभाव मनुष्य की सोच को भयानक बना देना, ठीक है, और क्या विनाश की ओर ले जाना, और व्यक्ति को विनाश की तरफ गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका नेम फेम, मतलब वो नाम अपना नीचे गिरते हुए नहीं देख सकता है। ठीक है, और इसके लिए प्रयास भी नहीं करेगा, वो दूसरों के पास जाएगा, दूसरों से उसका बुराई करेगा, ठीक है, उसे ऐसे ऐसे बात करेगा, उसका नीचा दिखाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा जिंदगी में, अगर आप किसी सफल व्यक्ति का लाख बुराई कीजिए, आप बुराई क्यों करते हैं? ताकि समाज में उसका इज्जत गिर जाए, और उसका इज्जत गिर जाए तो उस पद पर से अगर वो हट जाएगा, ठीक है, तो आप उसका पद ग्रहण कर लें। और जिंदगी में ये कभी संभव नहीं है कि किसी दूसरे को नीचे गिरा देंगे, ठीक है, और आप उसके पद पर चलेंगे। क्योंकि जब आप किसी को पीछे खींचते हैं तो इस समय याद रखिएगा, जब पीछे खींचते हैं तो आप भी तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है, आप तो उससे पीछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि उठा कर डायरेक्ट पीछे फेंक देते हैं। आप किसी चीज को अगर पीछे खींच रहे तो उस समय आप भी पीछे जाते हैं। याद रखिएगा, उससे एक स्टेप आप और पीछे चले जाएंगे। यानी किसी के नाम शोहरत को मिटा करके वहां अपना नाम जिंदगी में कभी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा जितना कि वो मेहनत करके वहां पे पहुंचा है। ठीक है, यहां देखिए, अब मनुष्य की सोच भयानक हो जाती है, दूसरों को हानि ही अपना कर्तव्य, और यहां पे क्या करता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, दूसरों को हानि पहुंचाता है और यही अपना कर्तव्य समझ लेता है। ठीक है, कि दूसरों को अगर हम हानि पहुंचा रहे हैं तो यही हमारा कर्तव्य है, कभी ना कभी हम जब ये नीचे गिर जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ये इनका सोच गलत है। देखिए आगे देखते हैं, अब ईर्ष्या से लाभ क्या है, लाभदायक है ईर्ष्या, कभी कभी फायदा भी कर देता है। कब? जब जलन आपके दोस्त से है और कंपटीशन का भावना उत्पन्न हो जाए, ठीक है, प्रतियोगिता शुरू हो जाए कि उसका अगर 90 नंबर आए ना, देखना हम 95 नंबर ला रहे हैं, वो 50,000 कमा रहा है ना, तो हम 60,000 कमाएंगे। ठीक है, अगर ये भावना आ जाए तो उससे काफी लाभ होता है और इंसान विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इससे कहीं फायदा भी कर देता है और कहीं भयानक रूप भी ले लेता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी के समक्ष बनना चाहता है, अपने प्रतिद्वंदी जो सामने उसके कॉम्पिटिटर है, जो कॉम्पिटिशन करना चाहता है जिस व्यक्ति से, उसको देख करके आगे भी बढ़ने की कोशिश करता है, इससे मनुष्य का विकास भी होता है। अब देखिए रसेल के अनुसार, रसेल क्या बोले हैं कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्ट आपको पता होगा, और हिस्ट्री के वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने किससे कंपटीशन किया, यहां पे वो भी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन किया है सीजर से। देखिए यहां कंपटीशन का भावना कैसे है। ठीक है, और सीजर ने स्पर्धा किया है किससे, सिकंदर से, सिकंदर एक महान शासक था ये बताए थे। आ सिकंदर किससे प्रतिस्पर्धा किया है, तो देखिए हरक्यूलिस से, हरक्यूलिस का मतलब होता है जो कभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, उससे कंपटीशन कैसे हो सकता है। यानी लोग कंपटीशन करते करते ऐसे जगह पहुंच जाते हैं जिसका अस्तित्व ही नहीं है, और इतना नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन में और इस जलन के भावना से, कि समाज में उन पर लोग थू थू करते हैं, मतलब कि इसका मतलब पूरा मतलब घृणा के दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। बताइए ये दूसरे को गिराने चला था, आज इतना नीचे गिर गया है, ठीक है, कि इस तक कोई स्तर ही नहीं है, ठीक है, ये किसी लायक नहीं है। इसलिए कभी भी अगर आपके अंदर ईर्ष्या अपना घर बना रहा है तो उसको अपने ईर्ष्या को दबाइए कि नहीं, हम उसे जलन क्यों रखें, उसके बराबरी का अगर मुकाबला करना है, ठीक है, तो हम उससे ऊपर बनने की कोशिश करें, ठीक है, और प्रयास करें, लड़ झगड़ के नहीं, अपने अंदर वो मोटिवेशन डालें ताकि हम उससे आगे बढ़ करके और कुछ अच्छा अचीव करें, ताकि लोग मेरा गुणगान गाएं। क्योंकि ये जो दिल अपना होता है ना, ये संतुष्ट होना चाहते हैं, ये तारीफ का भूखा होता है। ठीक है, अगर आपका कोई पीठ पीछे तारीफ कर, अगर आप सुन भी ले रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसी की वजह से तो ईर्ष्या यानी कि जलन की भावना उत्पन्न होती है। यहां देखिए, यहां पे बोला गया है कि देखिए इन ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या बोले हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बात बोले हैं कि आपसे पता है कौन सा व्यक्ति घृणा करेगा, ईर्ष्या करेगा, जिसका आपने कभी भलाई किया हो। दूसरा कोई आपको जो जानेगा वही तो आपसे नफरत करेगा ना, तो वही आपका भलाई कर, मतलब कि आपका आपसे घृणा करता है। ठीक है, जो जिसको आपने कभी भलाई किया हो, वो जब आपसे
आप उसको मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने काफी समझाया, उसको अंधेरे से उजाला में लाया, उसको समझाए, उसको पढ़ाए लिखाए, कह लो कि वो आपसे घृणा करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये ईर्ष्या भर गई कि इनके पास जो चीज है उनसे हम ज्यादा जानते हैं, ठीक है, और जानेंगे। और ये चीज में करके उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती है, घृणा होने लगते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने यही बात ये बोले हैं। एक और टॉपिक इसमें था कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, समझिएगा इस बात को, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जब आप किसी के प्रति जलन रखते हैं, ठीक है, तो एक दूसरा रूप निंदा भी है, बाद में जलन रखते रखते उस व्यक्ति का आप निंदा भी, बुराई भी करना शुरू कर देते, जहां समाज में आप बैठेंगे वहां पे आप क्या कीजिएगा, उस व्यक्ति की बुराई कीजिएगा, ताकि आप बुराई क्यों करते हैं आपको हम बताए हैं, ताकि समाज में उसका इज्जत खत्म हो जाए और उसका जगह आप ले लें, ठीक है, वो जिस ऊंचाई पर है, जबकि ये कभी संभव नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और ईर्ष्या को से अगर बचना है, ईर्ष्या आपके मन में उत्पन्न किसी के प्रति हो रहा है, तो आप हमेशा अपने आप को अनुशासन में रखें, और अनुशासन में रह करके ये दिमाग में अपने बैठा लें, दिल और दिमाग में फिट कर लें कि हमको अगर ईर्ष्या हो रहा है तो इस चीज को लेकर होना चाहिए कि उससे हम आगे मेहनत करके बढ़े, ये नहीं कि उसे नीचे खींच करके अपने लेवल में ला रहे। आप उसको नीचे क्यों खींचेंगे, आप ही उतना ऊपर चले जाइए, आप ही अपने टैलेंट को दिखाइए, तो ये दिमाग में होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।